अंकल आप। वाह 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 वाह, ये कौन आया है हमारे घर में, कौन आया है? मैं नीचे जाकर आंटी की मदद कर देती हूँ। तुम्हें मैंने कहा था ना कि इस जगह को होटल नहीं समझना है ना, लेकिन तुम्हारा जब दिल चाहता है तो गायब हो जाती हो, जब दिल करता है तो वापस आ जाती हो। ऐसे नहीं चलेगा नूर साहिबा, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। पता नहीं किस किस के साथ उठना बैठना हुआ होगा। हाँ, किस किस के साथ। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप अंकल। चलो छोड़ो, रहने दो। ये बताओ अपने खालू को, किसने तुम्हें धोखा दिया है, किसने तुम्हें इस्तेमाल करके छोड़ दिया है कि तुम जख्मी लहूलुहान होकर फिर से अपने खालू के पास वापस आ गई हो। दूर हटे आप मुझसे, हटे। ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप? क्या हो रहे हैं यहाँ? ना इससे कोई बात कर सकते हैं, ना इससे कोई सवाल पूछ सकते हैं तुम्हारी इस बदतमीज कजन से। अब सुन लो, इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। सुन लिया तुमने, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। सुन रही हो ना? नूर, नूर, बाबा ने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम्हारे बाबा कुछ नहीं कर सकते, डरो मत, उन्होंने कुछ नहीं किया। मुझ में हिम्मत है, ऐसे लोगों का मुकाबला कर सकती हूँ। तुम बुरा मत मानो, वो पहले गुस्सा करते हैं फिर ठीक हो जाते हैं, लेकिन अम्मी को मत बताना ये घर। तुम फिक्र मत करो, अपने बाबा को देखो जाकर। कहाँ जा रही हो? ताजी हवा चाहिए मुझे, सांस लेना चाहती हूँ। कल आप देर से आए थे, खाने पर भी नहीं थे। हाँ बस मुझे थोड़े काम थे। फिक्र मत करें, मैं आपसे हिसाब नहीं लूंगी, मेरा पहले ही दिमाग खराब है। आपको अजीब नहीं लगा कल मर्द ने इस तरह से बात की जैसे मेरी कजन वहीं कहीं मौजूद हो? कजन? कौन कजन? मेरी प्यारी कजन नूर। कभी तो वो अचानक आ जाती है और कभी गायब हो जाती है, लेकिन आप थोड़े परेशान लग रहे हैं मुझे, बल्कि हर कोई लग रहा है। आयतुल साहिबा भी गुस्से में है, अम्मी को घर तक नहीं आने दे रही। वो नाराज हैं क्या? आप तो कहें कुछ। फोन नहीं उठाएंगे? बैंक वालों की तरफ से कॉल्स हैं, ऐसे ही दिन रात फोन करते रहते हैं। ये कौन है? जानते हैं उनको? जाहिद, हमने पहले ही कहा था कि फोन नहीं उठाओगे तो बात खराब होगी। ठीक है, चंद दिनों की मोहलत दो, किसी तरह हल कर लूंगा। इतने सालों पुराना रिश्ता है हमारा। 24 घंटे? आप मजाक कर रहे हैं क्या मुझसे? 24 घंटों में इतनी बड़ी रकम कहां से लाऊंगा मैं? अगर तुम्हारा भाई जेब झाड़ दे तो इतनी रकम एक झटके में निकल आए। अली तुम्हें कुछ नहीं देगा। हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमें पैसे किस तरह निकलवाने हैं, तुम इसकी फिक्र मत करो, तुम्हारे पास बस 24 घंटे हैं। जाहिद, कुछ नहीं, कोई मसला नहीं। कैसे मसला नहीं, ये रास्ता रुक कर धमकी दे रहे थे। कहा ना कोई मसला नहीं, अब प्लीज ये बात खत्म करो अलमास। वैसे घर पर रहना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो फिर ऐसा करें ना कि मुझे वहीं रहने दें आप। बस थोड़ा वक्त और, फिर आप अपने घर ही वापस चली जाएंगी। मैं एक रात भी अपने घर से दूर नहीं रहना चाहती। अली कुछ करो ना, मुझे यहाँ नहीं रहना है। अलीना, डॉक्टर की बात मान लो, ये सब कुछ तुम्हारी सेहत के लिए कर रहे हैं। मेरी सेहत और बेहतरी तुम में है अली। इन्हें सारे टेस्ट मुकम्मल करने दो, मैं अभी काम से जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊंगा। मर्द को भी तुम्हारे पास ले आऊंगा। प्लीज मुझे अकेला नहीं छोड़ो यहाँ। अच्छा बस अब रिलैक्स हो जाओ, मैं शाम में वापस आता हूँ। शाम में मिलता हूँ तुमसे। ऐसा नहीं करो अली, प्लीज मुझे कुछ काम है। ले जा, रिलैक्स हो जाए। रुक जाओ अली। अली ना रिलैक्स हो जाओ, शाम तक की बात है। छोड़ो, फिर से मुझे यहाँ छोड़कर नहीं जाओ अली, प्लीज मुझे घर ले चलो। अली मेरी बात तो सुनो। बा
बहुत हो गया, बहुत हो गया, बस बहुत हुआ, नहीं बर्दाश्त होता। शायद किसी ने आपकी आवाज नहीं सुनी, माफ कीजिएगा, डराना नहीं चाहता था। आप ठीक हैं? माफ कीजिएगा। आप ठीक हैं? आप जंगल के बीच में चिल्ला रही हैं, क्या आपको कुछ चाहिए? नहीं, नहीं चाहिए। गाड़ी में पानी रखा है, पीना चाहेंगी ले आऊं? नहीं, शुक्रिया आपका। ठीक है, तो फिर हम पुलिस को बुलाएंगे। क्या? देखें ना, आप भी जंगल में चिल्ला रही हैं, तो जाहिर है ये मसला मेरे बस का तो नहीं है। वो भी हल नहीं कर सकते। समझ गया। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि अगर आप चाहें तो मैं आपको मेन रोड तक छोड़ दूं, ताकि आप टैक्सी ले सकें। मुझे टैक्सी की जरूरत नहीं है, मैं अभी फार्म हाउस वापस जाऊंगी। शुक्रिया आपका। माफ कीजिएगा, देखिए आप वाकई ठीक नहीं लग रही, आप अकेली हैं और मैं मदद करना चाहता हूँ। छोड़ देता हूँ आपको, वरना मुझे पुलिस या हेल्पलाइन वगैरह को कॉल करनी पड़ेगी। फार्म ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, अगर करीब है तो मैं आपको छोड़ दूंगा, प्लीज आ जाइए। आइए प्लीज। क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या कहा? परेशान मत हो, वो लोग टेस्ट कर रहे हैं। बहुत रो रही है ना, यहाँ रहना नहीं चाहती वो, मैं उसके पास जाती हूँ। आंटी छोड़ दें अभी उसे, डॉक्टर्स अभी उसे दवाइयाँ दे रहे हैं, हम शाम तक दोबारा आ जाएंगे। अभी भी बन जा रहा है, पागल हो जाऊंगी मैं, कल से फोन बंद है। किसे फोन कर रही है? सेनान को। पता है अभी तक उसे बहन के होश में आ जाने की खबर नहीं दी। उम्मीद है आज से हमारी जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी, तो मैं उसे खबर कर सकती हूँ, है ना? चलते हैं अब। मैडम अपने हाथ को ढीला छोड़ते हैं। मैडम इस तरह इंजेक्शन टूट जाएगा। तुम लोग मुझे यहाँ नहीं रख सकते, समझ गए? मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्या कर रही है? बात सुनो, या तो तुम लोग मुझे घर भेजो या फिर मैं खुद को मार डालूंगी। मैडम इसे रख दे, कहीं आपको ना लग जाए। प्लीज पास मत आना। गाड़ी तेज चलाने की जरूरत नहीं, वो लड़की कहीं नहीं जाएगी, तुम जानते हो। अपनी खाला से जो मिल गई है, अब तो यहाँ रुकने का मजीद बहाना मिल गया है। दुआ करो कि उसने हफीजा को कुछ ना बताया हो, वरना हमारे ऊपर लगा बदनामी का ये दाग साफ करना पहले दिन से भी मुश्किल हो जाएगा। मेरे ऊपर अगर कोई दाग है तो वो बस इतना ही कि मैंने नूर से झूठ बोला है, पर ये दाग माफी के बगैर साफ नहीं हो सकता। खुशामदीद, मैं भी हॉस्पिटल से ही आ रही हूँ। हॉस्पिटल से मतलब? क्यों, क्या हुआ? ये कैसे हुआ नाजान? जल गई थी, छाले बन गए। अल्लाह जल्दी शिफा दे नाजान, आइंदा एहतियात करना ताकि ना जलो। बाबा खुशामदीद। बहुत शुक्रिया बाबा की जान, तो बाइक चला रहे हैं शहजादे? हफीदा खाला के साथ हमने बहुत मजेदार कुकीज बनाए हैं। वाकई में? शाबाश। खाला के साथ भी बहुत मजे किए मैंने। बहुत अच्छा किया आपने। आप मेरी अम्मी को अस्पताल छोड़कर आ गए बाबा। ये कौन है?
आओ बेटा। बहुत शुक्रिया, सफर अच्छा गुजरा आपका। दरअसल मैं भी अपने सफर के अख्ताम पर हूँ। मामू, मामू! मामू की जान भाग कर आओ तुम मेरे पास। नूर, नूर! क्या आप मेरे मामू को जानती हैं? क्या आप नूर को जानती हैं? वो मेरी देखभाल करती है, लेकिन असल में वो मेरी दोस्त है। अच्छा, वाकई? मैं इसका मामू हूँ। मिलकर खुशी हुई। हम रास्ते में मिले थे। सिनान, हम मेरे बेटे। अम्मी, कहाँ थे बेटा तुम? कहाँ थे? नाइला, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। वो मैं पिछले कुछ दिनों से यहीं होटल में ठहरा हुआ हूँ। किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता था, बस मिलने आया था। कैसी तकलीफ सिनान? ये घर तुम्हारा भी है, आ जाना चाहिए था। अगर आप थोड़ा सा पहले आ जाते ना, तो आप मेरी अम्मी से मिल लेते। क्या? मेरी अम्मी जन्नत से आ गई हैं, बल्कि कल रात हमारे साथ भी रही थी, लेकिन अभी फिर अस्पताल चली गईं। मगर वो वापस आ जाएंगी। ये क्या कह रहे अम्मी? तुम्हें बताने ही वाली थी मैं सिनान, मगर क्या करती, तुम्हारा फोन ही बंद था। हॉस्पिटल से कॉल आ रही है। क्या बात होगी अली? आप लोग अंदर जाएं, मैं बात कर रहा हूँ। आओ सिना, अंदर चलो, मैं तुम्हें सब बताऊं। चलो। मैं अब कौन जीता बेटा? मैं हीरो मत बनो। मैं बताता हूँ, जीता हूँ। चीटिंग कर रहा हूँ। जीता हूँ, मैंने कोई चीटिंग नहीं की। आयतुल की हालत तो देखो। आओ। चेहरा कैसे लटक गया है बेटे के आने पर। सिनान को कुछ पता न चल जाए, इसलिए परेशान है। ओह भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप? देखें तो सही, वो कितने सालों से इससे नाराज है। खुद गर्ज है। सिनान को नूर के बारे में पता चला तो फार्म सर पर उठा लेगा। भाभी, अगर ऐसा हुआ ना तो शामत आपकी भी आएगी। लेकिन एक बात है, तुम्हें उस वक्त उसकी शक्ल देखनी चाहिए थी। सिनान को लड़की के साथ देखकर उनकी आंखें बाहर निकल आई थी। मैं अगर आंटी की जगह होती तो ऐसा ही करती, वो लड़की हर जगह से निकल आती है। हाँ सही कह रही हो, कभी किसी की गाड़ी में से, कभी किसी की। नाजान, नाजान जी, कहिए। बेडरूम का दरवाजा खुला छोड़ा था ताकि हवा की क्रॉसिंग हो सके, अब जाओ, जाके बंद कर दो। जी आयतुल साहिबा। नाइला, नाइला तुम मर्द को उसके कमरे में ले जाओ, इसे चेंज करवाओ ताकि वो सो सके। ठीक है, मैं ले जाती हूँ। मर्द चलो उठो, प्यारे बच्चे आ जाओ। चलो अब जाकर सो जाओ। चलो 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 चलो। अरे सिनान, ये खिलौना बहुत शोर मचाता है, इसे बंद कर दो, इससे पहले कि अली ना जाए। मेरी बच्ची के सर में दर्द हो जाएगा। मेरी बहन मुझे देखेगी तो ठीक हो जाएगी, फिक्र मत करें। मुझे तो ये डर है कि कहीं तुम्हें देखकर वो सकते में ना रह जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप इस बात को छोड़ ही दें अम्मी, मैंने कहा ना कि वो ठीक हो जाएंगी। अम्मी, आपने मुझे अलीना के होश में आने का क्यों नहीं बताया? कैसे आप मुझसे ये छुपा सकती हैं? अम्मी, मैं आपको इस बात पे हरगिज माफ नहीं करूंगा। चिल्लाओ मत, नहीं बताया तो कोई ना कोई वजह तो होगी, इसलिए नहीं बताया ना। छोड़ें आप, क्या वजह होगी? मैं वजह बताता हूँ जो आप भी अच्छी तरह से जानती हैं। आपने अली को खुश करने के लिए नहीं बताया मुझे। मुझे घर से निकालने के लिए क्या चाल चली आपने? सुन रही हैं? मैं नहीं भूला, अभी आपने उसके डर से मेरी सगी बहन की कंडीशन नहीं बताई। डरती हैं आप उससे, मेरी बहन के होश आने का नहीं बताया। घर से निकाला? घर से निकाला? अमरीका में आला तालीम के लिए घर से निकाला? नीचे खड़ी गाड़ी, पूल वाला विला तुम्हारे नाम करने को घर से निकाला कहते हो? तुम्हारा गला दबाने के ख्वाहिशमंद अली के पैसों से हम पांचों के ऐश पूरे होते हैं। अलीना साहिबा को इस हालत में हॉस्पिटल में रखना मुमकिन नहीं जनाब। ये आसाबी बहरान इनके लिए बहुत खतरनाक है। आपको घरेलू जिंदगी में भी बहुत मोहतात रहना होगा। आपकी बीवी आसाबी तौर पर सेहतमंद हालत में नहीं है।
क्या स्लीपिंग ब्यूटी से मुलाकात हुई? अलीना साहिबा, अली साहब की बीवी। अगर तुम आज रात भी भागने वाली हो तो चलो थोड़ी बातें करते हैं। जनाब 3 दिन से तुर्की में है और हमें अभी खबर हो रही है। मुझे बहकाने के लिए जो आपने क्रेडिट कार्ड्स मेरे सामने रखे थे ना, उनमें से कोई भी मुझे सुकून नहीं दे सकता। कोई भी नहीं, ना वो रात का हादसा, और वो हादसा किसने किया। और सब कुछ छोड़ें, मेरी बहन कितनी बेहाल थी, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ अम्मी। सिनान, आपा, मेरा भाई। आपा, आपा, मैंने आपको बहुत याद किया, बहुत। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ सिनान। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम अब फार्म के कमरे में रहा करोगी? चलो ये भी ठीक है, क्योंकि बाबा ने कहा था कि दरवाजे से अंदर आने वाले और दीवार फलांग कर जाने वाले घर में नहीं रहेंगे। लेकिन आज तुमने मुझे फिर से हैरान कर दिया। मर्द का ख्याल रखती हो, ये नहीं बताया था तुमने सुबह मुझे? आरजी तौर पर, यानी जब तक नहीं आया नहीं मिल जाती। उसे बहुत कम लोग पसंद आते हैं और कोई पसंद नहीं आएगा उसे। आयतुल साहिबा ने भी वैसे पहले कभी किसी और को घर में नहीं रखा था। जब से तुम आई हो फार्म पर काफी कुछ बदल गया है। जी कहिए अली साहब। सलाम अलमास। वालेकुम अस्सलाम। कोई खास बात तो नहीं, सब खैरियत तो है ना? मर्द नूर को बुला रहा है, क्या वो देख सकती है आकर उसे? जी बिल्कुल, मैं उसे बताती हूँ। अली साहब का फोन था, मर्द ने बुलाया है तुम्हें। नूर, इधर आओ, बात करनी है। तुमने कहा कि मर्द ने मुझे बुलाया है, तो और क्या कहता? इधर आओ, मुझे कुछ बात करनी है। अलमास, क्या तुमने नूर से बात की? क्या उसने कुछ बताया तुम्हें? कुछ नहीं बताया अम्मी, ना ही बताया कि वो कुछ। उस लड़की का क्या करूँ कुछ समझ नहीं आता। और दूसरी तरफ तुम्हारे बाबा गुस्से में हैं। उनका कहना है कि वो घर नहीं आएगी। ये आहे वाला काम आज है कल नहीं होगा। आयतुल साहिबा का कुछ पता चलता है क्या? कल कहेंगी कि चली जाओ और दरवाजा बंद कर देंगी, फिर मैं उस लड़की को कहाँ लेके जाऊँ? मेरा भी नाम अलमास है और देखना कहीं नहीं जाएगी वो, खास तौर पर इधरना तो बिल्कुल भी नहीं। आज रात यहाँ रुकने की सिर्फ एक ही वजह है और वो है आंटी। गलती से भी कोई और बात मत सोचना। अलीना की वापसी से मुझे कोई मतलब नहीं। तुम्हारी जिंदगी में कोई आए या जाए, मर्द के लिए भी नहीं आया जल्द ही मिल जाएगी। और यहाँ से जाते ही मैं तलाक की कार्रवाई शुरू कर दूंगी। जंगल में क्या करने गई थी? तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो ना? जंगल में क्या करने गई थी? वैसे भी मैंने सुना है कि इस फार्म से दूर जाके अच्छा महसूस होता है, इसीलिए जंगल में थेरेपी के लिए गई थी। और तुम होते कौन हो मुझसे ये सब सवालात करने वाले? देखो, सिर्फ पूछ रहा हूँ तुमसे, समझने की कोशिश करो। जब मैंने तुम्हें सनान की गाड़ी में देखा तो मैं कुछ नहीं समझ रही। मैं इस फार्म से, हर चीज से, हर इंसान से बेजार हो चुकी हूँ। सांस लेने के लिए जगह चाहिए। मैं जंगल में मिली, वो मुझे घर ले आया। क्योंकि तुम जहाँ मौजूद हो वहाँ मैं सांस नहीं ले सकती हूँ, इसलिए इस घर से दूर भागी थी। मेरा दम घुटता है। चुप क्यों हो? कोई और झूठ नहीं है?
जिसे सुनाकर तुम मुझे यहाँ कैद करके रखो या जबरदस्ती करो। ये लो, ये सब हमारे लिए है, तुम्हारे, मेरे और मर्द के लिए। जब मैं यहाँ तुम्हें पहली बार लेकर आया था, तब मैंने तुम्हें कहा था कि हम तीनों के लिए, एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए। मुझे मालूम है कि ये घर हमें कैसे मार रहा है। कुछ वक्त यहाँ नहीं रहते, यहाँ से दूर चले जाते हैं नूर। मुझे भरोसा रखो, मैं सब ठीक। हमें मार रहा है ये कह रहे हो, है ना? हम तो पहले ही मर चुके हैं, समझ रहे हो? तुम्हारे इतने झूठने और इतनी हकीकतें खुलने के बाद तो हम मर ही चुके हैं अली। फिर क्या करना चाहिए? कहाँ जाओगी? हाँ, सड़क पर रहोगी क्या? हाँ, तुम जाओगी कहाँ? ये जाने बगैर मैं जिंदा कैसे रह सकता हूँ यार? आखिर कैसे रहूंगा तुम्हारे बगैर? हमेशा अपना ही सोचते हो ना। तुम कैसे रहोगे मुझे परवाह नहीं। ये तुम्हारी चाबी, मेरे लिए तुम्हारी आज तक की सबसे बड़ी बेइज्जती है अली कोजान। माफ करना, शायद तुम्हारी चाबी यहाँ गिर गई। ये चाबी अली साहब की है। काफी गुस्से वाली है, मर्द की वजह से गुस्सा कर रही थी। परेशान है बस। नूर, यहां आओ। मर्द जा क्या है, वो अपनी मां को बुला रहा है और तुम्हें उसे बहलाना है। अच्छी तरह कान खोलकर मेरी बात सुन लो। जानती हूं बहुत उलझ चुका है ये ड्रामा, लेकिन तुम हर किसी खुशफहमी में मत रहना। अब जाकर अपनी आंटी से भी कह देना कि तुम कल यहां से जा रही हो, और जितना कहा है बस उतना ही कहना। जाओ। यानी अगर मैं खुद से यहां नहीं आता और अमेरिका से छुट्टियां नहीं लेता, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरी बहन को होश आ गया है। तुम्हारी वालिदा मुनासिब वक्त पर तुम्हें खुद बता देती। किसके लिए मुनासिब वक्त? बहनोई जी। बहनोई? ये अल्फाज मुझे कभी पसंद नहीं है, तुम ये जानते हो सना। मैं तुम्हारा अली भाई हूं, भूल गए क्या? नहीं, मैं नहीं भूला, लेकिन तुम जरूर भूल गए हो। कितनी देर बातें की थी हमने शादी वाले दिन, याद है तुम्हें? मैंने तुमसे पूछा था मेरी बहन को खुश रखोगे, और फिर तुमने मेरे कंधे पर हाथ रख के कहा, फिक्र नहीं करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मेरा बचपन तो तुम्हारी कोशिशों की हद देखने में ही गुजर गया। बहनोई जी, मैंने तुम पर भरोसा किया था, तुमने वादा खिलाफी की, भाई का रिश्ता खत्म। अफसोस है। वाकई में अफसोस से क्या होगा? ना ही उस हादसे को मिटाया जा सकता है, और ना ही मेरी बहन के वो साल दोबारा आ सकते हैं। अपनी बहन को खुश ना रखने का इल्जाम दे सकते हो, मगर उस हादसे का जिम्मेदार हरगिज नहीं ठहरा सकते मुझे। उस रात हादसे के वक्त स्टीयरिंग पर किसका हाथ था, यह मैं समझा कर थक चुका हूं। चलो छोड़ो इस बात को, मैं उस हादसे से पहले की भी बातें जानता हूं। उस फार्म हाउस में सालों तक तुम्हारी वजह से मेरी बहन के गिरने वाले एक एक आंसू की वजह जानता हूं मैं। कुछ भी नहीं जानते हो तुम, उस वक्त छोटे से बच्चे थे बस। अब मैं नहीं हूं। अब अगर एक बार फिर तुमने मेरी बहन को दुख दिया, तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लो ये बात। सिनान, जो कहना है कह सकते हो, मगर मेरे मुंह से कभी भी उफ नहीं सुनोगे तुम, क्योंकि तुम मेरे भाई जो हो, जैसे मेरे लिए नायला है, बिल्कुल वैसे ही तुम भी हो सिनान, भूलना मत ये।
लेकिन अगर एक बार अम्मी के साथ चले जाएंगे तो क्या होगा बाबा? नाराज हो जाऊंगा मैं? अच्छा ठीक है नाराज मत हो बाबा, आप भी तो मुझे समझे ना। बातें देखो जरा तुम्हारी, चलो आओ देर हो रही है। सब्र करें अंकल साहिबा, देखती जाए इसका बदला आपकी बेटी से कैसे लूंगी मैं। कल रात सिनान से मिलने के बाद मैं सो गई थी, मुझे याद ही नहीं आ रहा कि अली मेरे पास आया भी था या नहीं। वो अपने बेटे को स्कूल ले जा रहा था, पता नहीं वापस कब आएगा। अलीना बेटा, टेंशन क्यों लेती हो तुम? देखो डॉक्टर्स ने किस शर्त पे तुम्हें यहाँ भेजा है, ताकि तुम्हारा हौसला बढ़े, ताकि तुम्हारा मोराल बढ़े। अपने मोराल को बढ़ाना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी। मोराल मोराल, अशार की शक्ल देखें बगैर मोराल बढ़ाना आसान है क्या? और अगर आप मेरा हौसला बढ़ाना चाहती हैं तो ब्यूटी पार्लर में मेरे बाल सेट कराएं, उसके बाद शॉपिंग पर चलें। तुम परेशान ना हो, तुम जो चाहोगी मैं करूंगी अलीना बेटा। और उस आया को बुलाएं। क्या काम है तुम्हें? बातें करनी है मुझे। उसे हम बदल देंगे, वो आज से कल नहीं होगी, तुम्हें बताया तो था। वो लड़की मर्द को अच्छा संभालती है और वो हफीजा की भांजी भी है, तो फिर आप क्यों उसे बदलना चाहती हैं? वो उसे आर्जी रख लिया था, वो खुद भी जाना चाहती है, अपने गांव जाना चाहती है वो। ठीक है आप उसे बुलाएं, मैं उससे बात करती हूँ। ठीक है ठीक है, लेकिन पहले तुम अपनी ये दवाएं ले लो। ये लो। आह मेरी बच्ची, क्या कहूँ मैं तुम्हें, जिसका मुझे डर था वही हुआ। आयतुल साहिबा ने तुम्हें निकाल दिया और वो भी बगैर लिहाज किए, बिना झिझक तुम्हारे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। मेरा दिल जल रहा है, ना जाने कभी नहीं कह सकती हूँ। आंटी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, स्कूल वापस जाऊंगी, फातिमा बेगम से भी बात की है, नीचे वाले फ्लैट में चली जाऊंगी, पढ़ाई और काम करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाऊंगी। हफीजा जी। आयतुल साहिबा। नूर, अलीना साहिबा तुमसे मिलना चाहती है। मैं जा रही हूँ। हाँ मुझे मालूम है, लेकिन अलीना साहिबा तुमसे कुछ बात करना चाहती है। खैरियत तो है ना सब? क्या कहना चाहती है वो? चलो बेटा जल्दी जाओ, इंतजार कर रही है। ये पैसे रख लो। अलीना कुछ भी कहे तुम हर सूरत इस घर से जा रही, और दोबारा हमारे सामने मत आना। आपके सामने ना आने के लिए पैसों की जरूरत नहीं मुझे। अगर ऊपर मेरी बेटी के साथ कोई खेल खेला तो तुम अपने पैदा होने पर भी पछताओगी। ऐसा कुछ नहीं होगा आयतुल साहिबा, इस फार्म हाउस में वापस आना मेरी सबसे बड़ी गलती होगी। बदतमीज कहेंगी, बदतमीज। आ जाए, आओ नूर अंदर आ जाओ। आप बाहर जाए अम्मी, मैं उससे अकेले में बात करना चाहती हूं। पसंद आया तुम्हें क्या हमारा ये बेडरूम? देखो ये चीजें नई जैसी लग रही हैं, लेकिन इन सब का फैशन पुराना हो चुका है। जाहिर है मैं बीमार थी तो मेरे शौहर ने इन चीजों को हाथ तक नहीं लगाया, वैसा ही है जैसे मैं पहली बार दुल्हन बनकर आई थी। अलीना साहिबा प्लीज आप मुझे माफ कीजिएगा, मुझे जाना है, देर हो रही है, वक्त पर ना निकली तो बस। तुम बस में नहीं जाओगी नूर, है ना आयतुल साहिबा? क्या नूर अंदर है? अपनी हद में रहो नासान।
साबका और मौजूदा एक ही बेडरूम में और आयतुल साहिबा दरवाजे पर। क्या करूं इसका? चलो आ जाओ भाई हैंडसम लड़के, आ जाओ। चलो हाथ पकड़ो बाबा का। चलो शाबाश, जल्दी से आ जाओ, केक लो अपना। चलो भाई अच्छा अच्छा पढ़ना। क्या वो झूठे इंसान, तुम्हारी अम्मी आज भी नहीं आई? नहीं आई, लेकिन वो हमारे घर में आराम कर रही हैं। हाँ ना, आराम कर रही होंगी क्योंकि जन्नत का रास्ता तो बहुत दूर है। क्या हो रहा है भाई यहाँ पर, सुबह सुबह बड़ी बातें बना रहे हो तुम लोग? बाबा आप जाए ना। ठीक है जा रहा हूँ, नाराज क्यों हो रहे हो? ठीक है तो जैसा आप लोगों ने देख लिया कि मैं मर्द का बाबा हूँ और यहाँ मैं खुफिया मिशन के लिए आया हूँ। हाँ बाबा, कैसा खुफिया मिशन? मिशन का नाम है शक्कर के केक, ये मर्द की अम्मी ने बनाए। क्या मर्द की अम्मी वाकई में है? हाँ हाँ, और ये सारे केक उन्होंने तुम लोगों के लिए बनाकर भेजे। चलो खाओ जल्दी से, शाबाश। तुम भी लो, ये लो। चलो शाबाश, आराम से खाओ। मर्द की अम्मी ने आप सबको सलाम भेजा है, जल्दी आएंगी वो भी मिलने। चलो सब लोग क्लास में जाओ, अच्छा अच्छा पढ़ना। को स्कूल छोड़ दिया है भाई? जी हाँ। दरअसल इन बातों को किसी गैर से करना मुश्किल है, लेकिन जब से तुम्हें मर्द को बहलाते हुए देखा है मैं तुमसे कंफर्टेबल हो गई हूं। तुम मुखलिस हो, ईमानदार हो, साबिर भी हो, तुमने मुझे एतमाद दिया। तुम बहुत जवान हो, शायद इसीलिए बच्चे की देखभाल करना मुश्किल लग रहा हो। मैं समझती हूँ मेरी अम्मी के साथ काम करना भी आसान नहीं है, लेकिन मेरी तुमसे एक दरख्वास्त है नूर, प्लीज मायूस मत करना। जब तक नहीं आया नहीं आती तुम यहीं रहो। तुम भरोसा रखो, मैं तुम्हारे लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम करूंगी। वैसे भी अम्मी जल्द ही नहीं आया ढूंढ लेंगी, ज्यादा से ज्यादा चंद दिन में ही तुम्हें इजाफी तनख्वाह दूंगी। तुम्हें बस से नहीं बल्कि हवाई जहाज से तुम्हारे गांव वापस भिजवाऊंगी। प्लीज मान जाओ ना, प्लीज नूर। यानी मर्द को कुछ देर के लिए मशगूल रखकर मुझसे दूर, मतलब मैं बहुत कमजोर हूं, मेरे जिस्म दिमाग को संभालने की जरूरत है। कुछ वक्त के लिए मुझमें मर्द का ख्याल रखने और उसकी मां बनने की ताकत नहीं होगी, तो इसलिए जब तक कोई नई आया नहीं आती तुम्हें यहां रहना होगा। मेरी गुजारिश समझो। अलीना बेटा, दवा लेने में मजीद देर नहीं करो मेरी जान। अगर बात खत्म हो गई हो तो नूर को अपनी बस भी पकड़नी है। अलीना, क्या हुआ मेरी जान? क्या हुआ बेटा? क्या इसने तुम्हें कुछ कहा? क्या कहा तुमने इसे? हाँ आखिर तुमने क्या बताया इसको, मुझे बताओ। हाँ आपकी पेशकश का बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे यकीन है कि आयतुल साहिबा मर्द के लिए मुझसे भी अच्छी देखभाल करने वाली आया ढूंढ लेंगी। खुदा हाफिज। आप अपनी बेटी को क्या बताने से डरती हैं अम्मी? आपने उस लड़की पर बेजा हमला करने की कोशिश क्यों की? इतनी डरी हुई है बताएं। तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे लगा कि इसने कोई बदतमीजी की होगी तुमसे। वो क्या बदतमीजी कर सकती है? मैंने उसे रुकने का कहा, वो नहीं रुकी। बच्चा उससे काफी मानूस हो गया था, अब वो भी मेरा सर का दर्द बनेगा। उस लड़की का जाना अच्छा नहीं हुआ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं। अलीना तुम फिक्र नहीं करो मेरी बच्ची। हाँ अभी अपनी दवाई ले लो, मैं चंद जगहों पर फोन करती हूँ, ये मसला भी हल हो जाएगा बेटा। ठीक है चलो तुम अपनी दवाई ले लो, परेशान नहीं।
नूर रुको जरा, अब तुम यहां रुककर उसका इंतजार नहीं करोगे, समझी? तुम अभी एक टैक्सी बुलाओ और चली जाओ। अगर आप मेरा हाथ छोड़ दें तो मैं यही करने वाली हूँ। तुम ही अब मामला खत्म समझो। अगर ये चाली शादी खत्म ना हुई तो याद रखना मेरे हाथ तुम्हारे। अम्मी अल्लाह हाफिज़ आयतुल साहिबा। अम्मी आप क्या कर रही थी इसके साथ? हद बता रही थी उसकी, जाते वक्त भी अपनी फितरत दिखा गई। जाते वक्त क्या मतलब अम्मी? जा रही है वो, अच्छा रही है। हम तो पहले ही मर चुके हैं। क्या ऐसा नहीं है? तुम्हारे इतने झूठने और इतनी हकीकतें खुलने के बाद तो हम मर ही चुके हैं अली। अली सर, गुड मॉर्निंग अली साहब। जो पेपर साइन करने में मुझे भिजवा दो जल्दी। जरूर, आप अपने कमरे में जाइए, मैं प्रिंट्स लेकर आती हूँ और साथ में कॉफी भी। ठीक है। जाहिद को क्या हुआ? इतने गुस्से में किससे बातें कर रही है वो? क्या? दरअसल पता नहीं, मुझे कहना भी चाहिए नहीं, मगर आपसे कुछ नहीं छुपा सकती। पता नहीं है या नहीं इस बात का कोई ताल्लुक, मगर कल जाहिद साहब के साथ आते हुए गाड़ी ने हमारा रास्ता रोका था। ठीक है, तुम जाकर पेपर्स और कॉफी लेकर आओ। मैंने अदायगी में कभी ताखीर नहीं की है। ठीक है, इस बार ज्यादा देर हो गई, इसका मतलब है तुम धमकी दोगे भाई? अपने मालिक से कहो कि मुझसे आमने सामने मुलाकात करे। हेलो हेलो, कस्टमर था अली। जुआ खेला ना तुमने दोबारा? नहीं अली, जुआ कब से खेल रहे हो जुआ तुम? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो मुझे? हाँ, कब से खेल रहे हो? जवाब दो। 5-6 महीने से। क्यों शुरू किया तुमने दोबारा? अरे इतना बड़ा मसला नहीं है। कुछ आदमी आकर तुम्हारा रास्ता रोकते हैं और तुम्हें बंदूक दिखाते हैं और तुम मुझसे कह रहे हो कि ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। बात सुनो, अगर तुमने पिछले साल जैसा कुछ किया ना तो मैं कसम खाकर कहता हूं जाहिद, इस बार मैं तुम्हें
सकता है? मर्द का डेट ऑफ बर्थ? हाँ, इसे ऐसी जगह रखती हूँ जहाँ से अलीना देख सके। फिर तुम सोचोगी कि तुम्हारे शौहर की शादी की दो अंगूठियाँ क्यों हैं? ये जगह बहुत खूबसूरत है, घर से बाहर लाकर बहुत अच्छा किया। बस खुद को थोड़ा संभालें, फिर ऐसी बहुत सी जगहों पर जाएंगे। कितना याद आ रहा है ना, पुराने दिनों की तरह तुम, मैं और अली किसी मछली वाले के पास चलेंगे। वैसे तुम कितने दिन के लिए आए हो? वैसे अभी तक तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ज्यादा दिन के लिए नहीं, शायद 10 दिन। अब कोई 10 दिन की कहानी नहीं सुना, होटल फोन करो, तुम्हारा सामान बांधकर यहाँ भिजवाए। नहीं करें आपा, वरना आपा नहीं कहना। मैं अपने भाई को पास रखना चाहती हूँ। जब यहाँ तुम्हारी बहन का घर है तो फिर किसी होटल की क्या जरूरत है? इस लड़की का नाम क्या था? शायद नूर नाम था। कैसे जाओगे? मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है नूर। आंटी आप ऐसे तो ना रोए ना, जाके काम करें, मैं भी बस जा रही हूँ। वो जो तुम्हारी टैक्सी का आखिरी स्टॉप है ना, वहां तक छोड़ देना मेरी बेटी को भाई। ठीक है, आप बेफिक्र हो जाएं। अलमास और अमीन के लिए तो रुक जाती बेटा, कम से कम उनको अल्लाह हाफिज ही कहकर चली जाती। आंटी प्लीज रोए नहीं, अगर मेरी बस छूट गई तो देर हो जाएगी, फिर मुश्किल हो जाएगी। ऐसा मत करें ठीक है, अपने आंसू पोंछे, देखिए मेरे लिए यही बेहतर है। क्या होता अगर तुम यहाँ से भाग कर ना जाती और अपने अंकल को गुस्सा ना दिलाती, क्या होता? प्यारी आंटी, बहुत परेशान किया ना, माफ कीजिएगा मुझे। कैसे ना माफ करूं? चलो ख्याल रखना। ये मोहब्बत बदुआ बन गई है।